जिले के हटानगर स्थित देवश्री कौशलाधीश जी सरकार मंदिर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा जिले स्तर पर सामाजिक सक्रिय जनों को पदीय दायित्व सौंपे गए, जिसमें राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू, छात्र एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज साहू के निर्देशन एवं जिला अध्यक्ष हरिशंकर साहू की अनुशंसा पर वरिष्ठजनों की सहमति से डॉक्टर गायत्री साहू को छात्र युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर साहू समाज के लोगों की विशेष मौजूदगी रही। जय मां कर्मा देवी। मैं सबसे पहले आभार करना चाहूँगा हमारे जिला अध्यक्ष श्री हरिशंकर साहू जी एवं समस्त टीम साहू समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन में सब लोग अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन समाज संगठन के लिए आज हमें उसका सर्वप्रथम तो आपका राधे राधे, और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं राधे राधे कहती हूँ। आज मेरे यहाँ पर पगड़ी समारोह आयोजित किया गया, जहाँ पर मुझे श्री रवि किरण साहू जी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्री पंकज साहू जी वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्री हरिशंकर साहू जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं हरदास से, उनके द्वारा ये समारोह आयोजित किया गया। और आज यहाँ मुझे छात्र प्रकोष्ठ साहू समाज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और इस और मैं यहाँ पे सब इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे छात्र प्रकोष्ठ साहू समाज संगठन के जिला अध्यक्ष होने के नाते जो मेरे दायित्व बनते हैं, मैं उसे अपना भरपूर प्रयास करूँगी, और मेरी हमेशा यही कोशिश बनी रहेगी कि मैं महिलाओं छात्रों उन सभी को संगठित रखूँ और उनके लिए अपने भरपूर प्रयास करूँ। और बताएं किस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे राष्ट्रीय साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार साहू जी के निर्देशन में एवं पंकज छात्र संघ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज साहू जी के मार्गदर्शन में मैं जिला अध्यक्ष हरिशंकर साहू राष्ट्रीय साहू समाज के द्वारा मैं दमोह जिला में छात्र प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुश्री गायत्री साहू जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया, एवं हमारे छोटे भाई विनोद साहू को राष्ट्र तेली साहू समाज का जिला सचिव बनाया है। आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुश्री गायत्री साहू जी एवं विनोद साहू संगठन जिला संगठन सचिव का आज स्वागत और सम्मान रखा गया था, और इनसे ऐसी आशा की जाती है कि राष्ट्र तेली साहू समाज ही बैनर तली होकर जिस समाज किस आगे लाने में सहयोग कर